प्रदेश के साथ ही सिलीगुड़ी शहर में भी ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद का त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम में गुरुवार को ईद की नमाज अदा की गई। इस मुबारक ईद में बच्चे, जवान और बूढ़े भी शामिल थे। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव भी सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित इस भाईचारे और एकता के त्यौहार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सभी से धर्म के लोगों से एकता और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। वहीं जामा मस्जिद के इमाम ने ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही नमाज अदा करने वाले सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारक दी। ईद उल फितर के मौके पर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद जश्न मनाते हुए बच्चे भी गले मिलते देखे गए। ঈদের নামাজ পাঠ শুরু হয়েছিল, তারপর আমাদের এখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামেই সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম হয়। প্রত্যেকবার আমরা আসি, আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়, সবাই মিলেমিশে একসাথে থাকা এবং আজকের এই বিশেষ দিন সবাইকে সারা রাজ্যের শিলিগুড়ির আশেপাশের সমস্ত জায়গার সবাইকে আজকে ঈদ মুবারক, সবার যাত্রা শুভ হোক, সবাই ভালো থাকুক আল্লাহর কাছে, ঈশ্বরের কাছে, ভগবানের কাছে, গডের কাছে এই প্রার্থনা। এবং এই ঈদের যে প্রার্থনা খুশির ঈদ, সেখানে প্রত্যেকবারের মতো এবছরও উপস্থিত থাকতে পারলাম, এটা আমাদের কাছে খুবই গর্বের বিষয়। করনে কে লিয়ে আয়ে হ্যায় লোক খুশ হ্যায়, সবোনে দো রকত নামাজ ঈদ উল ফিত্র আদা কি আর সবোনে আপনে মুলক কি তরক্কি কে লিয়ে আপনে শহর কি তরক্কি কে লিয়ে দুয়া কি আর মে आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, बिलखसूस हमारे सिलीगुड़ी के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को, आप मीडिया वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग भी हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं। इस बात की बहुत खुशी है और ये दोस्ती हम और आपकी, ये मोहब्बत कायम रहे।